Talking about some of the social obligations of the therapist, when a client threatens the psychologist, uh, they may be basically uh, threatening and doing this quite often. Like the they are facing the personal and family distress, many have serious mental illnesses and impulse control disorders. They have problem with their anger control. They have a history of antisocial behavior so these are the things which make them a very difficult client and in result to having all those emotional disruptions or having all those mental health issues and psychopathological behaviors they are going to create problems for the therapist few things that can help the psychologist to deal with such situations may include clinical competence jitna zada uska experience hoga to deal with this

तो दिस ऑल्सो कम्स इन हेयर देन बींग माइंडफुल ऑफ द पोटेंशियल डेंजर्स और इसीलिए एक सिटिंग एक जो इन्वायरमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि क्लाइंट को स्क्रीन करके काउंसलिंग रूम में लाया जाए और ये ना हो कि साइकोथेरेपी के बीच में ही वो थेरेपिस्ट पे अटैक कर दे तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड ऑल दीज थिंग आर वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज एक जो क्लाइंट ऑलरेडी एक मेंटल हेल्थ इशू के साथ आ रहा है वो इंटीमेट कर सकता है बाजूकात और वो थेरेपिस्ट को भी अपने अगेंस्ट समझ कर उस पर भी अटैक कर सकता है Then, very कि अगर एक स्मॉल रूम है जहाँ क्रॉस द टेबल थेरेपिस्ट और क्लाइंट uh, बैठे हैं तो एग्जिट वेज जो हैं वो किसके लिए ज़्यादा आसान है केस ऑफ एनी प्रॉब्लम एनी डेंजर कोई आपके पास अलार्म है कोई बेल है कोई रेस्क्यू स्टाफ है तो दीज थिंग नीड टू बी प्लान इन एडवास अगर कोई पैनिक आ जाता है किसी क्लाइंट को वो खुद बेहोश हो जाता है गिर जाता है आप so कैसे तो दीज आर द्री सिचुएशन विच आर बी गिवन एक तो ये कि उसकी ज़रूरत नहीं रही वो अब एक नॉर्मल इंडिविजुअल है और उसका वो मसला सॉल्व हो गया तो आप उसको थेरेपी नहीं दे रहे दूसरी सिचुएशन ये है कि उसको उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा आपको उस थेरेपी को देने की ज़रूरत ही नहीं है उससे बेहतर है आप उसको मेडिकेशन दे दें दे, उसको कहीं और रेफ़र कर दें या उसका कोई और ट्रीटमेंट का आल्टरनेटिव ढूंढ लें और लास्टली ये कि उसको बेसिकली वो थेरेपी फ़ायदा देने की बजाय नुकसान दे रही है और उसको उसका कोई इम्पैक्ट uh, जो है वो पॉजिटिव नहीं आ रहा उल्टा उसकी सिम्टम्स को वो वर्स कर करिए टर्मिनेशन इज़ ऑल्सो ऑफन यूजफुल वेन अ क्लाइंट एंड थेरापिस्ट डिसग्री ऑन अदर मेजर ट्रीटमेंट इशूज़ बाज़ात कुछ और ऐसी ट्रीटमेंट मोडलिटीज के ऊपर वो अग्री कर लेते हैं और उस करंट थेरेपी को टर्मिनेट कर देते हैं साइकोलॉजिस्ट मे टर्मिनेट द थेरेपी व्हेन थ्रेटर्ड और अदरवाइज इन बाय द क्लाइंट अगर उनको धमकियाँ मिल रही हैं उनको ह्रास किया जा रहा है उनकी फैमिली को हरास किया जा रहा है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टर्मिनेट द थेरेपी और अनदर पर्सन विद होम द क्लाइंट हैज अ रिलेशनशिप या उनको कोई ऐसा इंडिविजुअल थ्रेटन कर रहा है जो उस क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप में सो दीज आर दिचुएशन वेयर थेरेपी कुड बी टर्मिनेटेड इफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट अकर्स दे शुड डिस्कस द इशू अगर एक कोई माइनर इशू uh, आया है उसको तो डिस्कस किया जा सकता है उसके सोल्यूशन निकाले जाते हैं एक्सेप्ट द एक्शन ऑफ द क्लाइंट लेकिन अगर क्लाइंट इतना इमपेशेंट uh, हो गया है और वो साइकोलॉजिस्ट जो है उसकी काउंसलिंग उसके ऊपर बिल्कुल वर्क ही नहीं कर रही है और वो एक नेगेटिव वे uh, में थेरेपिस्ट uh, थेरेपिस को अपना जो है वो प्रोबेबली समझने लग गया कि इसी की वजह से मेरे सारे प्रॉब्लम्स हैं उसने उसके साथ एक इस तरह की इंटीमेसी डेवलप करी है जिसमें उसको लगता है कि बेसिकली ये मेरे अगेंस्ट है जो मुझे समझा रहा है और मुझे तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो इन सिचुएशन में वी नीड टू सी दैट साइकोलॉजिस्ट शुड प्रोवाइड प्री टर्मिनेशन काउंसलिंग एंड सजेस्ट ऑल्टरनेटिव सर्विस एज़ अप्रोप्रिएट तो उनको पहले एक काउंसलिंग का सेशन दें उसमें बताएं कि आप उनके साथ थेरेपी को टर्मिनेट कर रहे हैं और ऑल्टरनेट काउंसलिंग सर्विसज़ कौन सी अवेलेबल हैं जिन्हें एक्सेस किया जा सकता है